नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ए स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई भी मिरर है और वो मिरर कर्व्ड हो, ठीक है, उस मिरर का जो पार्ट है आइदर रिफ्लेक्टिंग, वो उसका जो जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होना है, ठीक है, वो सरफेस अगर कर्व्ड हो जाए देन दैट मिरर इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। या फिर ऐसा कह सकते हो कि किसी भी स्फेयर के एक पार्ट को हमने हटा दिया और वो जो है अगर मिरर के तरह काम करे या उस शेप का अगर मिरर हो देन दैट इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, वहीं पर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो स्फेरिकल जो कर्व्ड सरफेस है वो दो तरीके से, एक है कर्व्ड इनवर्ड और ये वाला है कर्व्ड आउटवर्ड। मतलब हमने बोला कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो उसमें दो सरफेस हमें देखने को मिलते हैं, एक सरफेस होता है इनसाइड वाला, इसे बोल सकते हैं कर्व्ड इनवर्ड, वहीं पर एक सरफेस बाहर वाला होता है, इस सरफेस को बोला जा सकता है कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो जो कर्व्ड इनवर्ड है उसका उस मिरर उस स्फेरिकल मिरर का कुछ अलग नाम है, वहीं पर जो कर्व्ड आउटवर्ड है उस स्फेरिकल मिरर का कुछ अलग नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा, स्फेरिकल मिरर मींस इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कर्व्ड देन दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जैसे अगर आपने प्लेन मिरर देखा है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो जाए, प्लेन और स्मूथ, तो उसे बोल दिया जाता है प्लेन मिरर। उसी तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन ना होकर कर्व्ड हो जाए देन दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब ये जो कर्व्ड इनवर्ड है और आउटवर्ड है, इसके बेसिस पर हमने स्फेरिकल मिरर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर और दूसरा होगा हमारा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का मतलब है कनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। उसी तरीके से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना कनकेव हो, मतलब केव्ड या फिर कर्व्ड इनवर्ड हो, अगर इस पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है इस केव वाले पार्ट से देन दैट मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। वहीं पर अगर इस बाहर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, यानी कि कर्व्ड आउटवर्ड इस पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, देन दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो हमने दो पार्ट में मिरर को डिवाइड किया था कनकेव मिरर। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड। जैसे अगर किसी भी मिरर की बात करें तो वहां पर दो सरफेस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वहीं पर जो दूसरा सरफेस होता है वो होता है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो जिससे रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस को बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर इस वाले पार्ट से, इस कर्व्ड इनवर्ड वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो जाए देन दैट मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। वहीं पर ये जो कर्व्ड आउटवर्ड वाले पार्ट से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसे बोला जाता है, उस मिरर को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और उसके दूसरे साइड वाला जो सरफेस है दैट सरफेस इज पॉलिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, कर्व्ड आउटवर्ड्स, इट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्फेरिकल मिरर के टाइप समझ आ गए होंगे। नाउ वी विल सी द बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड टू दिस स्फेरिकल मिरर, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि पोल क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी समझेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पोल। तो पोल का, पोल और वी कैन से वर्टेक्स, इसका क्या मतलब होता है, लेट अस एज्यूम कि हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों ही मिरर्स में पोल का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास मिरर है इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, जैसे इसका हाफ कह सकते हो कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इसी को बोला जाता है पोल। उसी तरीके से अगर हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है तो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा दैट विल बी पोल। तो पोल के बारे में डायरेक्ट कह सकते हैं द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, आइदर इट इज कनकेव मिरर और कनकेव कन्वेक्स मिरर, दोनों ही केस में जो हमारा सेंट्रल पार्ट होगा वो होगा पोल। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब कि अच्छा एक बात बताइए कि जो दोनों ही मिरर्स हैं, चाहे कनकेव हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही मिरर किसी ना किसी स्फीयर के पार्ट होंगे, और जहां पर भी स्फीयर की बात होती है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो उस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे जैसे एज्यूम करते ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा,
ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का ये जो मिरर है ये पार्ट है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर विल बी कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया कि ये जो कनकेव मिरर है ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से अगर इस मिरर की बात करें तो ये इसका कर्व कुछ इस तरीके से हो और इसका सेंटर कहीं पर यहाँ पर होगा, तो इस मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये है और इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। बस हमें समझना है कि ये जो मिरर है, ये वाला मिरर, इस मिरर को हमने क्या बनाया, स्फीयर। क्यों बनाया, क्योंकि ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है और जब स्फीयर का पार्ट है तो अगर उस वो स्फीयर में कंप्लीट हो जाए तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ये मिरर है, इसे अगर मिला दिया जाए तो ये एक स्फीयर का फॉर्म करेगा और उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन क्या है, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज एज्यूम टू बी अ पार्ट, यानी कि उस स्फीयर का सेंटर जिसका कि ये स्फेरिकल मिरर एक पार्ट माना जाता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज एज्यूम टू बी पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि जब भी इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा उस पर बेस्ड कैलकुलेशन की जा सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ भी नहीं है, बस इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन है दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही डेफिनेशन है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सीधी सी बात है कि ये जो लाइन ज्वाइन करती है ना इन दोनों पॉइंट्स को दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ नेक्स्ट आवर टर्म इज फोकस, या फिर इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का क्या मतलब होता है कि जब भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाइट रेज को भेजो, ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि अगर आप लाइट रेज को भेजते हो इधर से पैरेलली तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रेज कुछ एक ही पॉइंट से पास होती है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी कनकेव मिरर को लोगे और सन से आने वाली लाइट रेज के सामने अगर रख दिया जाए दैट विल बी पैरेलली। सन से आने वाली लाइट रेज कहाँ से आती है, सन से, और सन से जितनी भी लाइट रेज आ जाए उसे पैरेलल कंसिडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी लाइट रेज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आए, ठीक है, तो देन दैट लाइट रेज कंसिडर्ड एज पैरेलल लाइट रेज। तो जब भी पैरेलली लाइट रेज आएंगे तो वो किसी एक पॉइंट से ही सभी लाइट रेज पास होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो जो कनकेव मिरर है उस केस में पैरेलली आके वो फोकस से एक्चुअल में मीट करती है। ठीक है, जिस पॉइंट पर मीट करती है दैट विल बी फोकस। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है ना उस केस में थोड़ा अलग होता है, यहाँ पर अगर पैरेलल लाइट रेज भेजें तो यहाँ पर ये लाइट रेज कन्वर्ज ना होकर डाइवर्ज होती और ऐसा अपीयर होता है जैसे इस पॉइंट से कि इसी पॉइंट से ये लाइट रे और इसी पॉइंट से ये लाइट रे डाइवर्ज होती। फिर से समझिएगा, अगर कनकेव मिरर है तो पैरेलल लाइट रेज आती है और सभी लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती है। किस पॉइंट पर, तो इस फोकस वाले पॉइंट पर सभी लाइट रेज एक साथ वहां से पास होती है। यानी कि ये जो कनकेव मिरर है एक्चुअल में इसका रोल है कि ये जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आए उन सभी लाइट रेज को एक डायरेक्शन में या एक ही पॉइंट पर सभी को कन्वर्ज करती है। लेकिन वहीं पर ये जो आप कह सकते हो कन्वेक्स मिरर, इसका रोल अपोजिट होता है। इसमें अगर लाइट रेज पैरेलली आ जाए तो ये लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करती है और ये कुछ इस डायरेक्शन पे डाइवर्ज करती है जैसे सभी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट इस एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। ऐसा अपीयर होता है कि ये लाइट रेज एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होती है और वो पॉइंट है फोकस। मतलब ये कह सकते हो कि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज appear to be coming from a point, मतलब ऐसा appear होता है कि ये light rays किसी एक point से निकल रही है, एक point पर diverge करती है, real में नहीं होता बस appear होता है। और जहाँ पर appear हो जाए तो वहाँ पर ये भी किसका काम करेगा, ये भी focus होगा, but
ये दोनों ही केस में सिचुएशन अलग है, ये एक लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है, दैट्स व्हाई कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज इट डाइवर्जेस ऑल द पैरेलल लाइट रेज दैट आर फॉलिंग ऑन इट, व्हाइल दिस कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज दैट आर फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। उसके बाद तो ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी फोकस, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। फोकस इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट, ठीक है, एक्चुअली मीट कहाँ पर होता है, कनकेव मिरर, और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड फोकस, इसी को कभी कभी प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, तो समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो ये कुछ हमारे बेसिक टर्म्स थे, और भी कुछ चीज़ें समझेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो उसके इमेज फॉर्म करने के बाद कौन सी टर्म्स, जैसे हमारे पास जब भी इसके इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो एक डायरेक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए या फिर कैलकुलेशन पर्पस से इन सभी के, जो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो मिरर से प्लेस्ड है वो कितने डिस्टेंस पर है, और जो कर्व्ड मिरर है आखिर किस पॉइंट से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर किया जाए, ठीक है, या फिर उसका जो इमेज फॉर्म होता है उस मिरर से कितने दूर बना है, कब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे कब नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास है साइन कन्वेंशन। तो अब कौन कौन से साइंस हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। जैसे सबसे पहला जो साइन कन्वेंशन का रूल है वो है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी कि आप ये कह सकते हो जो दोनों ही मिरर से, जैसे अगर हमारे पास कनकेव मिरर की बात करें तो इस कनकेव मिरर में जो हमारा पोल है, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा कनकेव मिरर और यहाँ पर पोल, वहीं पर कन्वेक्स मिरर अगर ड्रॉ करें यूं, ये रहा हमारा, ये हमारा कन्वेक्स मिरर। अब इस कन्वेक्स मिरर में पोल कहाँ पर है, तो मान लेते हैं ये हमारा पोल है। तो जितने भी डिस्टेंस मेजर करे जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट मिरर से कितने दूर पर रखा गया है इधर, या इसके इस साइड कितने दूर रखा गया, तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, मतलब लगभग ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर हो जाएगा। उसी तरीके से जहाँ पर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स। आप लोग सभी ने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो देखा होगा, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस है, तो इस मिरर को ऐसा समझिए कि ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पर ये ओरिजिन पोल जो है वो ओरिजिन का काम करता है, ये जो पोल है ये ओरिजिन का काम करेगा। उसके बाद जो सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, मतलब जहाँ से लाइट रे मिरर को स्ट्राइक करती है, द डायरेक्शन इन विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर दैट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ से कोई लाइट रे इसे स्ट्राइक करे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये इंसिडेंट रे, तो इस डायरेक्शन को, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, यानी कि इस साइड वाले जितने भी डायरेक्शंस है, ठीक है, दैट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। मान लेते हैं यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, अब यहाँ समझते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो सबसे पहला जो सेकेंड रूल, उसका पहला टर्म है कि जितने भी आप डिस्टेंस मेजर करो, इसे समझना ध्यान से, कि आप पहले पोल से तो मेज़र करोगे, ठीक है, दूसरी बात कि जो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन से आ रही है, डायरेक्शन समझना है, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, एंड द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे विल बी नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ से लाइट रे इस डायरेक्शन में जाती है, ये इंसिडेंट रे होगी, अगर आप मिरर को ऐसे प्लेस करोगे तो हमेशा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा, तो ये डायरेक्शन है, और आपने अगर इस कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड रखेंगे, तो आपने ऑब्जेक्ट को इस जगह पर रखा, तो ऑब्जेक्ट को जैसे इस जगह पर रखेंगे तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, तो वो पहला रूल कहता है कि आप पोल से मेजर करिए डिस्टेंस को, यानी कि यहाँ से मेजर करेंगे, तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करते हो तो आप इस डायरेक्शन में जाते हो, इट मींस दैट दिस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है,
वहीं पर अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में कुछ भी मेजर करते देन दैट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से इस सिचुएशन में देखते हैं, यहाँ पर अगर बात करें कि इंसिडेंट रे इधर से इसको स्ट्राइक करे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, तो जितने भी लाइट रेज आएंगे वो इसी साइड से स्ट्राइक कर, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा क्योंकि लाइट इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन इधर है। तो अगर आप यहाँ पर इमेज फॉर्म करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट है उसे कहाँ प्लेस किया जाएगा, उसे इस मिरर के सामने किसी भी प्लेस पर प्लेस करेंगे, मतलब इसके सामने कहीं रखेंगे। तो ऐसा अज्यूम करते हैं आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो आप पोल से इस डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करते हो वो भी क्या होगा, नेगेटिव। इट मींस दैट इन बोथ सिचुएशन व्हेन वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, इन दैट केस इट इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग दोनों ही सिचुएशन में चीज़ें क्या है, नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। ठीक है, किस तरीके से नेगेटिव हुआ, अगर आप इंसिडेंट डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव, या फिर आप ऐसा कह सकते हो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें इस साइड वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ से लेफ्ट की राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, बिल्कुल अपोजिट है हमारा। उसके बाद ये हमारा है वाई एक्सिस। अब चलिए जो थर्ड रूल है उसे समझते हैं। थर्ड रूल में क्या है, द डिस्टेंसेज अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अपवर्ड ऊपर की तरफ जाए तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, वहीं पर इसके नेगेटिव अगर नीचे की तरफ जाए तो वो कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। एक और चीज़ समझने वाली बात है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है, जनरली ऐसा है कि इमेज फॉर्म के लिए प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा अपवर्ड प्लेस किया जाता है। इट मींस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है कि कैसा इमेज फॉर्म होगा, वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो अभी जो तीन हमारे पास साइन कन्वेंशन में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तीनों को समझना जरूरी है। सबसे पहला, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, मतलब पोल एज अ सेंटर, ठीक है, ओरिजिन की तरह काम करता है, इसीलिए जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द डायरेक्ट डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे इधर आती है तो आप पोल से इस साइड जाइए, दैट विल बी पॉजिटिव, बट द डायरेक्शन इन द अपोजिट ऑफ अपोजिट टू इंसिडेंट रे दैट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव, यानी कि आप यहाँ से इस साइड जाइए तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड आप डायरेक्शन मेजर करिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जाइए आप डायरेक्शन मेजर करिए, दैट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, वेयर एज इफ यू गो डाउन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन दैट विल द डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो ये तीन है। आई होप आपको ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे।